आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे मेरे भाई प्रियांशु मान जा, पता है दुनिया में ना सबसे बड़ा हथियार किसी को मारने का है, किसी को भी मारने का, तो सबसे बड़ा हथियार है तारीफ करो, और तारीफ भी इतनी भयंकर लेवल पे कर दो कि वो अपने एग्जिस्टेंस से ऊपर उठ जाए। अगर आप सही मायने में देखें तो राहुल गांधी कोई बेकार आदमी थोड़ी है, लेकिन उसके अगल बगल में जो लोग रह रहे हैं तो सारे दिन पानी मारते रहते हैं, वाह राहुल जी वाह राहुल जी, यही काम मोदी जी के साथ हो रहा, वाह मोदी जी वाह क्या काम किया है ना। तो अगर आप जैसे लोग और मिल जाए कि भारत रत्न मिलना चाहिए, तो मतलब सामने वाले का बेड़ा गर्क तुम करवाओगे ही करवाओगे। हमेशा ध्यान रखना जीवन में जो भी तारीफों के जो पुल होते हैं या जो पानी मारने वाले लोग होते हैं, अगर उनके पानी लगने के बाद भी बचा रह जाता है वो सही आदमी सही मायने में समझदार कहलाता है ना। तो पानी मेरे को मत मारा करो कम से कम। दूसरी चीज ये है कि आप बढ़िया से पढ़ते रहो, सर कितने मंथ लगेंगे, मंथ की टेंशन ना लो, जो समझ में आ रहा है जितना पढ़ रहे हो उतना मस्त रहिए यार। जीवन में अंत कभी नहीं होना, समस्याएं जीवन भर रहनी है, सारे जीवन पढ़ाई करनी है आपको, पूरे जीवन ही, कभी समस्याओं से सुलझने की पढ़ाई होगी, कभी कोई भी पढ़ाई होगी, पढ़ाई वाला काम करते रहना पड़ेगा। इसलिए एक कह रहा जी सरसों का ऑयल इतना महंगा क्यों, चिंटू तूने कौन सा बालों में लगाना है बे, तेरे पापा को पता होगा महंगा क्यों भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू तो पढ़ ले। कुल मिला के मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।